भाई नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार, कैसे हैं साहब? बस सब बढ़िया साहब। ना मुर्गा तो आपका बहुत गजब का, बहुत तंदुरुस्त दिख रहा है। मुझे भाई कितने दिन का हो गया ये? ये साहब 35 दिन का हो गया। 35 35 डेज का होगा। जी जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट चैनल। आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, हम पहले भी इस फार्म पे वीडियो बनाया था मुजीम भाई के साथ में, घर के फीड से तैयार मुर्गा, घर के फीड का एफसीआर दोनों हम आपको लाइव बताने वाले हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले हम मुर्गे का वेट देखेंगे। मुजीम भाई कुछ मुर्गे का वेट दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाएंगे। कितने दिन का हुआ ये? 35 दिन का? ये 35 दिन का है। 33 दिन का? 35 35 डेज का। चलिए ठीक है। तब तक मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ में बिहार, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर? बिहार सहरसा डिस्ट्रिक्ट से सर आए हुए हैं। उनको मैं लाइव मुजीम भाई के फार्म पे दिखाने वाला हूँ और अभी हम लाइव ये कांटा चालू करें, वजन भी दिखाएंगे। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अमरजीत। थोड़ा तेज बोलिए ना। अमरजीत। कहाँ से हैं आप? सहरसा बिहार से। चलिए ठीक है। अब मैं 35 दिन के मुर्गे का वेट आपको दिखा रहा हूँ। अब दूसरी चीज हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये मुर्गा, थोड़ा दिखाइए मुर्गा, अच्छा बढ़िया से दिखाइए मुर्गा, इसका चेस्ट में दिखाइए मुजीम भाई, कैसा तैयार है भैया मुर्गा, कलर कैसा है? आपके मार्केट के फीड से होता है ऐसा मुर्गा तैयार 35 दिन में? नहीं नहीं, 35 दिन में 3 किलो दाने का एफसीआर है 1.5 का, ऐसा तो नहीं होता मेरे घर। अब ये देखिए, अब इसके बाद में अब हम आपको फीड भी दिखा रहे हैं पूरा, जिस फीड से ये मुर्गा तैयार हुए। लोग बोलते हैं ना क्रम्स फीड, मैस फीड से वजन नहीं आता। ये देखिए, आइए, ये पूरा हमारे ही पोल्ट्री फीड मशीनों से बना हुआ फीड है और मुजीम भाई हजारों बार बता चुके हैं, मैं भी हजारों बार बता चुका हूं कि घर के फीड से ही मुर्गा पालना चाहिए। मुजीम भाई कितना दाना खाया एक मुर्गे ने? अब एक मुर्गे ने अभी 3 किलो दाने पे ये 2 किलो प्लस आया है। 3 किलो दाना खा के 2 किलो प्लस है। दिन में बताइए, 35 दिन में लगभग 2100-2200 ग्राम वेट है और 1.5 का एफसीआर है। ठीक है, 1.4 का ही कहेंगे, 5 का क्यों। ठीक है, मतलब आपका 1.4-1.5 का एफसीआर आके 35 दिन में आपका मुर्गा लगभग ये समझ लीजिए कि 2100-2200 ग्राम का है। जी जी, ये पूरा घर के फीड से तैयार है। अच्छा एक बात और है सर, इसमें आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? विक्रम भैया और अमरजीत जी, आप लोग बिहार कौन से डिस्ट्रिक्ट बताया? सहरसा से। ये जो है ना, इस फार्म पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख चुके हैं ना? आप दिन मिला लीजिएगा, 35 दिन का मुर्गा है और वेट अभी आपने देखा है पूरा, और ऐसा नहीं कि वही दूसरा भी अपन पकड़ के देख सकते हैं, वेट पूरा मुर्गा आपको दिख रहा है, देखिए कितना बेहतरीन मुर्गा है। और जो लोग बोलते हैं क्रम्स फीड का से तैयार वेट आता है, मैस फीड से वेट नहीं आता है या घर पे फीड से वेट नहीं आता, उन लोगों को खुला चैलेंज है कि आप हमारे पास में आइए, हम मुर्गा भी दिखाएंगे, फीड भी दिखाएंगे, किसान से भी मिलाएंगे और एफसीआर भी बताएंगे। और मुर्गा आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन तंदुरुस्त मुर्गा देख रहे हैं आप, और पूरा बेच बिक चुका है ये, बस इतना ही मुर्गा बचा है। तो किसान भाइयों, अच्छा मुझे भाई एक चीज़ और, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं उसमें हम इस पर कॉस्टिंग निकालेंगे, खर्च और आमदनी निकालेंगे उसमें। तो ये था हमारे घर के फीड से तैयार मुर्गा और ये है हमारे घर का, हमारी पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर से बना हुआ फीड। ठीक है मुझे भाई, पूरा फीड आपने यही यूज़ किया या दूसरा फीड भी कोई लगाया है? नहीं, पूरा फीड यही अपनी मशीन का बना हुआ, मैस फीड ही यूज़ किया है। बिल्कुल, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर तीनों लगा के 1 नंबर से 3 नंबर तक। अच्छा, ये वही फार्म है ना जो अपन ने पहले वीडियो बनाया था? जी बिल्कुल, आप तारीख मिला सकते हैं, उस टाइम में शायद 13-14 दिन का बच्चा था और आज ये 35 दिन का हुआ, आप वो तारीख मिला लीजिए जो तारीख वो वीडियो बनी थी और ये वीडियो बनी है। हाँ, ये बिल्कुल सही है ना, देखा था आपने वीडियो? 13 दिन की। जी जी बिल्कुल, और आज भी आप मिलाइएगा पक्का, वही शेड है, आप ये सब मतलब ये देखिए वही शेड है, उसमें कोई नहीं है, वो पुरानी वीडियो निकाल के नहीं। देखिए एक्चुअली क्या रहता है, ये बताने का तात्पर्य ये भैया, हम लोगों से चिल्ला के बोल रहा है, मैं आपसे भी 1 घंटे से यही समझा रहा था कि ये पोल्ट्री का नहीं फीड का बिजनेस है, घर के फीड से मुर्गा तैयार करो, नहीं तो कमा के आप डीलर को देते रहोगे। और इतना बढ़िया एफसीआर, इतना बढ़िया रेजेंट जब घर के फीड से हमारा आता है तो हम क्यों मार्केट से लें, क्योंकि मार्केट के फीड की कोई गारंटी नहीं है कि कैसा फीड आएगा,
और अच्छा फीड भी दे दिया तो इतना महंगा देंगे कि सारा पैसा कमा के डीलरों को ही देना है। तो किसान भाइयों, ये हमारा था मुजीम भाई के पोल्ट्री फार्म पे 35 दिन में 2200 ग्राम का मुर्गा और 1.4-1.5 का FCR। अब आगे के वीडियो में बताएंगे कि एक मुर्गे पे इनकी कितनी कॉस्टिंग आई और कितनी बचत होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।